दिवाली में महालक्ष्मी और सरस्वती या जिसे चोपड़ा पूजन कहते हैं, प्रथम हम उस विषय की जानकारी आपको देंगे। यह पूजा कराने के लिए हर समय पंडित जी उपलब्ध होंगे ही यह निश्चित नहीं होता, इसलिए सोनिक ऑक्टेव्स इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पूजा आप तक लेकर आ रहे हैं। इस पूजा के लिए सामग्री की रचना किस प्रकार करनी है या पूजा की रचना किस प्रकार करनी है, इसका रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। लक्ष्मी पूजन के समय नई किताब पर जो मजकूर लिखना होता है, उसकी 3 प्रतें किताब के साथ दी जाती हैं। उस कागज को अपनी नई किताब पर चिपकाना है। अब ये पूजा किस दिन की जाती है, तो सामान्यतः पंचांग की तिथि अनुसार अश्विन वद्य अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन दिया प्रज्वलित करते समय अर्थात संध्या जिसे हम कहते हैं, उस समय पर यह पूजा करने की प्रथा है। दुकानदार शुभ लाभ इत्यादि शुभ समय देखकर ये पूजा करते हैं। किस भगवान की इस दिन पूजा की जाती है या इस समय पर पूजा की जाती है, पंडित जी को बुलाकर संकल्प पूर्वक प्रथम गणेश पूजा, कलश, शंख, घंटी और दीप की पूजा करने के बाद अनुक्रम से वरुण की पूजा, ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो इसीलिए 9 ग्रहों की पूजा, महालक्ष्मी की मूर्ति अर्थात प्रतिमा या सिक्का, कुबेर जी की प्रतिमा, उसी प्रकार सरस्वती की प्रतिमा और नूतन वर्ष के व्यापार की किताबें, स्याही संग दवात, कलम और किताब के साथ मिले हुए कागज पर लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। वैसे ही तराजू, वजन, नाप की भी पूजा करने का रिवाज है। इस पूजा को कहाँ किया जाता है? हर एक छोटी बड़ी दुकान में, थोक व्यापारी, पीढ़ी वाले, विविध कार्यालय इत्यादि जगहों पर पूजा की जाती है। श्री गणेशाय नमः। शुभ और लाभ के बीच स्वस्तिक बनाकर उसके साथ ही नीचे अन्य देवताओं के नाम लिखकर और सरस्वती के प्रतीक रूप रेखा चित्र बनाकर नए पुराने रुपयों के और तराजू, वजन, नाप, नाप की पट्टी जिसे कपड़े की दुकान में गज कहते हैं, कैंची, स्याही संग दवात और कलम की भी उस समय पूजा की जाती है। सांप्रत काल में दवात और कलम की पूजा करने के एवज में वर्तमान में प्रचलित फाउंटेन पेन, बॉल पेन की पूजा करनी है। इस समय पर साबुत धनिया, गुड़, मिठाई, बतासे, मीठे चावल इत्यादि खाद्य सामग्री का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी लोगों में बांटने की प्रथा है। वैसे ही इत्र और गुलाब जल देकर उपस्थितों को विदाई दी जाती है। घर में भी इस पूजा को घर के ज्येष्ठ व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कर सकते हैं। पुराने समय में घर में मौजूद पुराने पैसे, सोने के, चांदी के, तांबे के वगैरह और उनके साथ ही अलंकार की पूजा धन त्रयोदशी के दिन की जाती थी और लक्ष्मी पूजन के दिन कुबेर और महालक्ष्मी की मूर्ति की घर में पूजा की जाती थी। अब ये प्रथा खत्म होकर लक्ष्मी पूजन के दिन ही घर में मौजूद नए पुराने रुपए, अलंकार के साथ की कुबेर जी की प्रतिमा, महालक्ष्मी की मुद्रा या मूर्ति की पूजा करने की प्रथा है। इस समय पर साबुत धनिया, गुड़, मीठे चावल, मिठाई और नैवेद्य के लिए पहले से ही अलग निकाली हुई दिवाली की खाद्य सामग्री, इन सभी चीजों का भोग लगाते हैं। महिलाओं को हल्दी कुमकुम लेने के लिए निमंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार मिठाई वगैरह देकर, इत्र गुलाब वगैरह देकर उनको विदा करते हैं। अब यह पूजा क्यों करनी चाहिए, तो बारिश का मौसम खत्म होकर नए धान्य से सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। किसान धान्य के उत्पादन से तन, मन और धन से प्रसन्न और आनंदित होते हैं। इस समय धन धान्य लक्ष्मी प्रसन्न रहें, इस आशय से लक्ष्मी पूजा का लाभ उठाने सभी लोग इकट्ठा होते हैं। इस समय आनंद के प्रतीक रूप में दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण, दीपमाला वगैरह लगाए जाते हैं। वैसे ही दुकान, पीढ़ी वगैरह स्थानों पर भी तोरण, दीपमाला की सजावट करनी चाहिए और वातावरण को प्रसन्न रखना चाहिए और बहुत आनंद पूर्वक इस लक्ष्मी पूजन का आरंभ करना चाहिए। श्री लक्ष्मी कुबेर पूजा विधि। पूजा की शुरुआत करने से पहले घर में या दुकान में मंदिर के देवता के पास अगरबत्ती और तेल का दिया जलाकर रखना है। पूजा करने वाले व्यक्ति ने खुद को रोली का तिलक लगाकर भगवान के समक्ष बीड़ा और नारियल रखकर प्रणाम करना है। वैसे ही ज्येष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम करके आकर पूजा के लिए बैठना है। अब हमें संकल्पित पूजा करनी है। उसके लिए भगवान और हमारे बीच योग्य अंतर रखकर पूजा करने के लिए कलश में पानी लेना है। वह कलश हमारे बाएं हाथ के पास रखना है। उसके पास पूजा की चम्मच और पात्र अर्थात फूल पात्र और उसमें अंदर चम्मच, चम्मच न हो तो कोई भी चम्मच रखनी है।
फूलपात्र में पानी भरना है और उसके पास पूजा की थाली रखनी है। हाथ पहुंचने के लिए रुमाल रखना है और फिर आचमन करना है, अर्थात फूलपात्र में जो पानी है उससे एक एक चम्मच पानी लेकर उसे हमारी हथेली पर रखकर 3 बार आचमन करना है। उसके लिए 3 नामों का उच्चारण करके आचमन करना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 4थी बार हाथ धोने हैं, उसके लिए पूजा की थाली में चम्मच से पानी छोड़ना है। गोविंदाय नमः, फिर से पहले की तरह ही 3 बार पानी पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर से हाथ धोने हैं, गोविंदाय नमः। अब हाथ जोड़कर बैठना है। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। अब हमें प्राणायाम करना है। प्रथम बाएं नथुने से सांस अंदर लेनी है, थोड़ा सा रुककर सांस को अंदर रोककर रखना है और दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर यही क्रिया दाहिने नथुने से सांस अंदर लेकर थोड़ी देर रोककर फिर बाएं नथुने से सांस छोड़कर करनी है। प्राणायामः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्। अब प्राणायाम होने के बाद हाथ में चावल लेनी है। आप घर के देवता के समक्ष पान का बीड़ा नारियल रखकर प्रणाम करके आए हैं। अब फिर से गणेश जी को प्रणाम करके कुल देवता इत्यादि का स्मरण करना है। हाथ में चावल लेने हैं और हाथ जोड़कर बैठना है। श्री मन महागणाधिपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तिरुवनात्मिका नमो दुर्गायै नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, माता पितृभ्यां नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। अविघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननाः द्वादशेदानि नामानि याः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनन्तरेव तारावलं चन्द्रबलन्तरेव विद्याबलं दैवबलन्तरेव लक्ष्मीपते देङ्घ्रेवं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वेषु आरब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः। अब इसके बाद देशकाल का उच्चारण करना है, परंतु वह हर वर्ष अलग अलग होने के कारण एक ही श्लोक में देशकाल का जो उच्चारण सर्वमान्य है वह करेंगे। तिथिर विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेवजो योगस्य करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत अद्य पूर्वोच्चरित वर्तमान एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। इसके बाद अब हम पूजा जिस कारण से कर रहे हैं उसके लिए एक संकल्प करना है। अद्यो एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम
शुभ पुण्य तिथाओ। हमारे हाथ में चावल हैं, हमें चम्मच में पानी लेना है और हमारे समक्ष रखे हुए पात्र में छोड़ना है। अब पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने गोत्र का उच्चारण करना है, उसके बाद अपने नाम का उच्चारण करना है और उसके बाद अब मैं जो संकल्प बोलूंगा वह हो सके तो बोलना है, नहीं तो उसे ठीक से सुनना है। अपने गोत्र का उच्चारण करना है। गोत्रोत्पन्ना। अपने नाम का उच्चारण करना है। वर्बा अहम ममो आत्मनः सकल शास्त्र पुराणोक्तो फल प्राप्त्यर्थं श्री भगवती लक्ष्मी सरस्वती देवता प्रीत्यर्थं तथा च अस्माकं सर्वेषां सकल कुटुंबानां क्षेमं स्थैर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभिवृद्ध्यर्थं समस्त मंगलता प्राप्त्यर्थं समस्तानां कुटुंबीयानां अभ्युदयार्थं तथा च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी स्थिर काल वासार्थं अद्य अश्विन कृष्ण अमावास्यायां प्रतिवार्षिक विहितं यथा ज्ञानेन यथा मिलितो उपचार द्रव्यैः श्री लक्ष्मी कुबेरो सरस्वती पूजनम्। हाथ के चावल सहित नीचे थाली में पानी छोड़ना है, करिष्ये बोलना है। करिष्ये निर्विघ्नार्थम महागणपति पूजनम कलशाराधनम तथा च कलश शंख घंटा दीप पूजनादि तथा च लेखनी मशी पात्रादीनाम पूजनमहं करिष्ये। इसके बाद हमें आसन शुद्धि अर्थात जिस आसन पर हम बैठे हैं उस आसन को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमान देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इस स्थान पर यदि किसी शूद्र देवता का अस्तित्व है तो वह इस पूजा के समय चले जाएं और हमारी पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए उन शूद्र देवता को यहाँ से जाने को कहेंगे। हाथ जोड़कर बोलना है। अपक्रामन्तु हूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे तीक्ष्णदंश महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। यह हो गई भूमि इत्यादि की प्रार्थना। अब हमारा शरीर यह पूजा करते समय शुद्ध हो उसके लिए षडंगान्यास यानी छह जगहों पर स्पर्श करने से न्यास करना है, यानी उन स्थानों पर उन देवताओं का हमारे भीतर अस्तित्व हो, ऐसा इसका अर्थ है। हमारे दाहिने हाथ की चारों उंगलियों से यानी अंगूठे के सिवा उन स्थानों पर स्पर्श करना है। सबसे पहले हृदय को स्पर्श करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। फिर मस्तिष्क को स्पर्श करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। शिखा के स्थान पर स्पर्श करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। अब संपूर्ण शरीर को अपने बाएं और दाहिने हाथ को मस्तिष्क से लेकर पांव तक स्पर्श करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। हमारी दोनों आंखों को दाहिने हाथ के उंगलियों से स्पर्श करना है। श्री महालक्ष्मी नमः। नेत्र त्रयाय नमः। अब ताली बजानी है। श्री महालक्ष्मी नमः। अस्त्राय नमः। इसके बाद अब हमने पूजा करने के लिए पास में जो कलश रखा है उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करने का अर्थ उस कलश में जो पानी है वो सामान्यतः नल का या कुएं का पानी है, परंतु उस पानी से हम भगवान की पूजा करने वाले हैं, इसलिए उस पानी में जो विविध देवता हैं, गंगा जैसी नदियां हैं, समुद्र हैं, ऋग्वेद वगैरह जो वेद हैं, उन सभी को आवाहन करना है और उस शुद्ध जल से हमें पूजा करनी है। इसीलिए कलश के मुख पर हमारा दाहिना हाथ उल्टा रखना है और आगे मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः
कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश को बाहर से चंदन चावल और फूल अर्पण करके प्रणाम करना है। कलशावाहित देवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद कलश कीर्तिमायुष्यम प्रज्ञाम मेधाम श्रियम बदम योग्यताम पापहानिंच पुण्यम वृद्धिंच यच्छति। यह सभी तीर्थ जो इस कलश में समाये हैं, इन सभी देवताओं को हमने प्रणाम किया है। इसके बाद यदि हमारे पास शंख हो तो उसे धोकर पोंछकर स्थान पर रखना है और उसे चंदन और तुलसी पत्र का अर्पण करना है। भगवान को हमेशा चंदन अर्पण करते समय अनामिका उंगली से चंदन लगाना होता है। शंख की पूजा करते समय भी अनामिका उंगली से ही शंख को चंदन लगाना है। त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते पाञ्चजन्याय नमः। सकलपूजार्थे गन्धतुलसीपत्रं समर्पयामि। अब इसके बाद हमें घंटी की पूजा करनी है। घंटी को धोकर पोंछकर स्थान पर रखनी है, अर्थात अपनी बाएं तरफ रखनी है। शंख को दाहिने हाथ पर रखना है और उसको चंदन और फूल अर्पण करके उसे प्रणाम करना है। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम कुर्वे घंटारवं तत्र देवतार्चन सिद्धये घंटा देव्यै नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। पूजा हो जाने के बाद घंटी बजानी है। अब यह घंटी किस लिए बजानी है? इस स्थान पर यदि कोई शूद्र देवता होंगे जिनको हमने पहले प्रणाम किया है, परंतु अगर फिर कोई शूद्र देवता रह गए होंगे तो वे इस घंटी के नाद से दूर चले जाएं और हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई अड़चन न आए, इसलिए अब घंटी बजानी है। अब हमने पूजा के स्थान पर जो निरंजन लगाया है उसे ऐसे स्थान पर रखना है जहां उसमें तेल कम होने पर सरलता से तेल डाला जा सके, उसे हवा न लगे और वह सुरक्षित रहे, ऐसे किसी स्थान पर उसे रखना है। पद्धति कुछ इस प्रकार की है कि भगवान की बाई तरफ तेल का दिया रखना है और भगवान की दाई तरफ घी का दिया रखना है। शास्त्र भी है तो किसी सुविधापूर्ण स्थान पर यह निरंजन रखना है, अर्थात उसे लगाने पर उसकी जो ज्योत है वह दक्षिण की ओर न हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब दिए को चंदन चावल फूल अर्पण करके प्रणाम करना है। भूदीप ब्रह्म रूपस्तं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थांश्च प्रयच्छमे यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवो। दीपदेवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि। अब हमने पूजा किया हुआ जो कलश है, अर्थात पानी से भरा हुआ जो कलश है, उसमें सभी नदी और समुद्रों का आवाहन करके पूजा की है। ऐसा यह जो शुद्ध पानी है वह शुद्ध पानी जिस स्थान पर हम पूजा करने वाले हैं उस स्थान पर छिड़कना है। तुलसी पत्र लेकर उससे पानी छिड़कने के बाद हम उस स्थान की शुद्धि करेंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत्। उस पानी को खुद पर भी छिड़कना है और जिस स्थान पर हम पूजा करने बैठे हैं उस स्थान पर और पूजा की सामग्री पर भी वह पानी छिड़कना है। अब हमें महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी या कुबेर जी, सभी ग्रहों की पूजा करनी है। उस पूजा से पहले हमें यह सभी जो पूजाएं कर्मानुसार करनी है वो सभी पूजाएं निर्विघ्न संपन्न हो जाएं, इसलिए शुरुआत में हमने किए हुए संकल्प के अनुसार गणेश जी की पूजा करेंगे।
गणेश जी की पूजा करते समय कुछ स्थानों पर प्रतिमा का उपयोग करते हैं और कुछ स्थानों पर गणेश जी के स्थान पर सुपारी की स्थापना करके पूजा करते हैं तो कुछ स्थानों पर नारियल की स्थापना भी करके पूजा करते हैं। अगर हमें नारियल स्वरूप में गणेश जी की पूजा करनी हो तो नारियल की चोटी को हमारी तरफ रख कर गणेश जी की पूजा करनी है। अब जब गणेश जी की प्रतिमा को हम स्नान कराएंगे तब उसे थाली में रखकर स्नान नहीं कराना है, प्रतिमा को उसके स्थान पर ही रखकर उस पर स्नान और अन्य सभी उपचार करने हैं। अब यह जो पूजा करनी है वो मात्र गणेश जी की ही पूजा करनी है। अगर मैं उस समय भगवान शब्द का प्रयोग करूं तब भी पूजा गणेश जी की ही करनी है, यह बात ध्यान में रखनी है और आगे सूचना मिलने तक हमें सभी उपचार उनको ही अर्पण करने हैं, यह बात हमें भूलनी नहीं है। हाथ में चावल लेकर गणेश जी का स्मरण करना है, उसके लिए ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अब गणेश जी की जो प्रतिमा रखी है या सुपारी रखी है या नारियल रखा है उस पर हमें गणेश जी का ध्यान करके यह चावल अर्पण करने हैं। महागणपतये नमः ध्याये ध्यानार्थे अक्षतान समर्पयामि। अब यदि प्रतिमा रखी है तो हमने उस पर चावल चढ़ा दिए, परंतु यदि सुपारी या नारियल रखा है तो चावल चढ़ाने हैं। अस्मिन् पूगी फले अस्मिन् श्री फले महागणपतिम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि। महागणपतये नमः नमस्करोमि। प्रणाम करना है, अभारिक उपचार हमारी जो सुपारी है नारियल है या प्रतिमा है उस पर करना है, उन देवता को समर्पित करना है अर्थात गणेश जी को अर्पण करना है। यह आवाहन हो जाने के बाद आसन के लिए भगवान को चावल अर्पण करने हैं, यहाँ भगवान का अर्थ गणेश जी होगा, यह ध्यान में रखना है। महागणपतये नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। दाहिने हाथ में दो दुर्वा लेकर उनका अग्रभाग पानी में डुबोकर उस पानी को भगवान पर छिड़कना है। महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। चम्मच पानी से भरनी है, उसमें चंदन और चावल रखने हैं और उस पर पानी को भगवान पर छिड़कना है। महागणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। उस पानी को फेंक देना है और फिर से पानी लेकर दुर्वा से पानी छिड़कना है। महागणपतये नमः आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि। उस पानी को फेंक देना है और चम्मच को फूल पात्र में रख देना है और गणेश जी को वस्त्र के रूप में रुई के वस्त्र या चावल अर्पण करने हैं और फिर जनेऊ अर्पण करनी है। महागणपतये नमः वस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रं समर्पयामि। महागणपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यदि ये दोनों चीज न हो तो चावल अर्पण करने हैं। महागणपतये नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फिर से अनामिका उंगली से भगवान को चंदन लगाना है। महागणपतये नमः विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। अक्षतवैजा महागणपतये नमः अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेश जी की अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि जी को हल्दी रोली सिंदूर अष्टगंध वगैरह जो भी चीजें उपलब्ध हैं वह अर्पण करनी है। रिद्धि सिद्धिभ्यां नमः हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। परिमल द्रव्यं च समर्पयामि। महागणपतये नमः नमस्करोमि। अब दुर्वा की जूड़ी को खोलना है, उसके अग्रभाग को चंदन में डुबोकर अग्र को हमारे समक्ष रखकर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। महागणपतये नमः पूजार्थे दूर्वान कुरान समर्पयामि। दुर्वा अर्पण करने के बाद गुड़हल का या गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल अगर न मिले तो भी जो भी फूल उपलब्ध हो उसे भगवान को अर्पण करना है। इतना ही नहीं, जितने प्रकार के फूल उपलब्ध हैं वे सभी भगवान को अर्पण करने हैं, बेलपत्र भी अर्पण करने हैं। महागणपतये नमः पूजा से कालो उद्भव विविध पुष्पाणि दूर्वान कुरान समर्पयामि। शमी उपलब्ध हो तो वो भी अर्पण करनी है। शमी पत्राणि समर्पयामि। महागणपतये नमः। दाहिने हाथ से अगरबत्ती से पूजा करनी है और बाएं हाथ से घंटी बजानी है, उसके बाद दाहिने हाथ से दिए से पूजा करनी है और बाएं हाथ से घंटी बजानी है। महागणपतये नमः धूपम आघ्रापयामि। महागणपतये नमः दीपं दर्शयामि। अब गणेश जी को भोग लगाने के लिए कटोरी में गुड़ नारियल या मिठाई जो भी हम लाए हैं उस कटोरी को भगवान के समक्ष रखनी है, उस पर दुर्वा रखनी है और दाहिने हाथ में पानी लेकर एक बार कटोरी के आसपास घुमाना है और हाथ जोड़ने हैं। महागणपतये नमः नैवेद्यार्थे
यथा संपादित पुरत स्थापित नैवेद्यम समर्पयामि। अब हाथ जोड़ने हैं। प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः। पात्र में सामने चार बार पानी छोड़ना है। मध्ये पानीयम, उत्तरा भोजनम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, आचमनीयम, समर्पयामि। चंदन और फूल गणेश जी को अर्पण करने हैं। करोद्वर्तनम, समर्पयामि। अब गणेश जी के लिए जो फल, बीड़ा और दक्षिणा रखे हैं, उस बीड़े पर पानी छिड़कना है। महागणपतये नमः, मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलम, समर्पयामि। कृत पूजा सांगता सिद्ध्यर्थम, सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम, समर्पयामि। महागणपतये नमः, पुरत स्थापित ऋतुकालोद्भव फलम, समर्पयामि। नमस्करोमि, दक्षिणांच समर्पयामि। इसके बाद गणेश जी को फूल, चंदन और चावल अर्पण करके प्रार्थना करनी है। विघ्नान् नाशय मे सर्वान् नाशाय उपस्थितान् प्रभो, त्वत् प्रसादेन कार्याणि सर्वाणि ह करोम्यहम्। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणां उदयं कुरु इति विज्ञाप्य देवेशं निपत्य पुनः पुनः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभो, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः, प्रार्थना पूर्वक पुष्पांजलिम समर्पयामि, नमस्करोमि। अब दाहिने हाथ पर से पात्र में पानी छोड़ना है। अनेन कृतो पूजनेन श्री महागणपतिः प्रीयतां मम, तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। वरुण स्थापना छोड़ना है एक बार। अद्य पूर्वोच्चरित वर्तमान एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। बोलना है मम। आत्मनः सकल शास्त्र पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी पूजनांगभूतं ग्रहाणामानुकूल्यार्थं आदित्यादि नवग्रह देवता स्थापनं पूजनञ्च करिष्ये, तत्रादौ वरुण पूजनञ्च करिष्ये। हमने महापूजा की शुरुआत में कलश, शंख और घंटी की पूजा की। अब हमें वरुण की पूजा करनी है, अर्थात यह वरुण देवता की जो पूजा है वो जल देवता की पूजा है। उसके पश्चात कलश स्थापना हो जाने के बाद उस पर पूजा की थाली रखकर वहां पर हमें महालक्ष्मी और कुबेर जी इत्यादि की पूजा करनी है और उसके पहले 9 ग्रहों की पूजा करनी है। अब यह वरुण स्थापना और पूजा करने के लिए हमें जहाँ लक्ष्मी पूजन करना है उस स्थान पर आधा किलो चावल, उस पर चांदी या तांबे का जो कलश हमारे पास है वो रखना है। उस कलश में सिर्फ आधे कलश जितना पानी भरना है और कलश के बाहरी हिस्से पर लाल चंदन की 5 खड़ी रेखाएं बनानी है और उस कलश में वरुण देवता को आवाहन करके पूजा करनी है। अब उसके लिए हर सूचना के अनुसार उसमें वह चीजें अर्पण करनी है। वरुण के मुख पर अर्थात कलश के मुख पर आम्र पल्लव अर्थात आम के पत्तों का गुच्छ रखना है और उसके बाद उस पर चावल से भरा पात्र रखना है, अर्थात यह पात्र कब रखना है वो बताया जाएगा। अब हम वरुण देवता की पूजा की शुरुआत करेंगे। हमारे पंच महाभूतों में से जो पृथ्वी देव हैं, उन पृथ्वी देव को हमें प्रणाम करना है और उनकी क्षमा मांगने के पश्चात हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। पृथ्वी देव को प्रणाम करना है। पृथ्वी देवतायै नमः, नमस्करोमि। अब इस पृथ्वी पर जो धान्य राशि है उस धान्य राशि को प्रणाम करना है। धान्य देवतायै नमः, सकल पूजार्थे नमस्कारम समर्पयामि। उस धान्य राशि का कलश रखना है, अर्थात यह धान्य राशि जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा कलश उत्तम प्रकार से मजबूती से जमकर बैठ पाएगा। अर्थात यदि कलश नीचे से समतल हुआ तो उसके लिए कम चावल की जरूरत पड़ेगी, परंतु यदि वो नीचे से समतल नहीं तो उसके लिए हमें ज्यादा चावल बिछाने पड़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कलश की दृष्टि से वहां चावल बिछाने हैं और उन पर कलश रखना है और उस कलश में जो पानी है उस पानी को हम वरुण देवता मानेंगे और अब उन वरुण देवता की हमें पूजा करनी है। प्रथम पृथ्वी देव को प्रणाम कीजिए। अब जो धान्य राशि है उन धान्य देवता को प्रणाम कीजिए। उस धान्य राशि पर कलश रखना है और इस कलश के पानी को हमें वरुण देवता मानकर उनकी पूजा करनी है। कलश में वरुण देवता को आवाहन करना है। वरुणाय नमः, वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि। अब उन वरुण देवता में अर्थात कलश में आम के पत्तों का गुच्छ रखना है, उसकी डंडी अंदर की तरफ होनी चाहिए।
अब वरुण में आम्र पल्लव रखने के बाद दो दुर्वा अर्पण करनी है। वरुणाय नमः दुर्वान् गुरान् समर्पयामि। अब उसी में सुपारी, पैसे और आपके पास जो यथाशक्ति सिक्के हों, सोने के, चांदी के, वो भी अर्पण करने हैं। वरुणाय नमः यथाशक्ति सुवर्ण रत्नादि द्रव्यम् समर्पयामि। वरुणाय नमः पूगीफलम् समर्पयामि। वरुणाय नमः चावल अर्पण करने हैं। पुष्पम तुलसी दलम अक्षतांच समर्पयामि। उन चावल के साथ चंदन, फूल, तुलसी, बेलपत्र वगैरह जो भी उपलब्ध हो वह सब कुछ अर्पण करना है। हम वरुण देवता की जो पूजा कर रहे हैं वह पूजा करते समय उस वरुण में अर्थात कलश में चंदन, चावल, फूल, तुलसी, दुर्वा, पैसे, सुपारी यह सब अर्पण करना है। वरुणाय नमः पूजार्थे कालोद्भव पुष्पम समर्पयामि। हरिद्रां कुंकुमम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि नमस्करोमि। अंदर जिस प्रकार हमने चावल, चंदन, फूल चढ़ाए वैसे ही हमारे समक्ष कलश का जो भाग है उस पर हमें चंदन, चावल, फूल अर्पण करने हैं और प्रणाम करना है। वो हो जाने के बाद आम के पत्तों का जो गुच्छ हमने रखा है उसमें चावल से भरा हुआ पात्र रखना है। इस पात्र को पूर्ण पात्र कहा जाता है और इस पूर्ण पात्र में हमें इन देवताओं का पूजन करना है। वरुणाय नमः पूर्ण पात्रम स्थापयामि। अतः त्यात वरुणालाभ अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि। ये कहकर वरुण देवता को आवाहन करना है और फिर उन्हें चंदन, चावल और फूल अर्पण करने हैं। वो अर्पण हो जाने के बाद उस कलश को अर्थात वरुण देव की प्रार्थना करनी है। देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नौ सदा कुंभ विधृतौ विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिव स्वयं त्वमेवासि विश्वस्वञ्च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्र विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः खाव फलप्रदाः त्वत्प्रसादादिवं पूजां कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु देवेशो प्रसन्नो भव सर्वदा। वरुणाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। छोड़ना है। अनेन कृत पूजनेन वरुणः प्रीयताम्। अब हमने ऊपर जो पूर्ण पात्र रखा है उस पूर्ण पात्र में आठों दिशाओं के लिए आठ सुपारियां रखनी हैं और पूर्व दिशा में जो सुपारी रखी है उसके पास सूर्य देव के लिए भी एक सुपारी रखनी है और उन नौ ग्रहों को आवाहन करना है। जो चित्र दिया गया है उसमें जो ग्रह जिस स्थान पर है वह स्थान दर्शाया गया है तो उन सभी स्थानों पर उस मंत्र के अनुसार उन देवता को अर्थात ग्रह को आवाहन करना है। इसीलिए मैं उन ग्रहों के नाम और मंत्रों का उच्चारण करूंगा और आवाहयामि कहूंगा। ग्रहों को आवाहन करते समय उनका क्रम कुछ इस प्रकार है। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब ये सभी नाम सभी को ज्ञात हैं। केवल शास्त्रकारों ने जो उनके स्थान दर्शाए हैं उनके अनुसार उनकी स्थापना करनी है। प्रथम सूर्यदेव को आवाहन करना है अर्थात चावल अर्पण करने हैं और सभी ग्रहों को आवाहन करते समय हमें चावल ही अर्पण करने हैं। सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि। सोमाय नमः सोमम आवाहयामि। भौमाय नमः भौमम आवाहयामि। बुधाय नमः बुधम आवाहयामि। गुरवे नमः गुरुम आवाहयामि। शुक्राय नमः शुक्रम आवाहयामि। शनैश्चराय नमः शनैश्चरम आवाहयामि। राहवे नमः राहुम आवाहयामि। केतवे नमः केतुम आवाहयामि। इन सभी पर फिर से चावल अर्पण करने हैं और प्रणाम करना है। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठितमस्तु। अब इन सभी ग्रहों को चंदन, चावल और फूल इस क्रम में अर्पण करने हैं। हर एक ग्रह को कौन सा फूल अर्पण करना है इस बारे में शास्त्रकारों ने कुछ सूचना दी है। उसके अनुसार अगर वो फूल उपलब्ध हो तो उन्हें अर्पण करना है और उस दृष्टि से सूर्य और मंगल को लाल फूल अर्पण करने हैं, शुक्र और सोम अर्थात चंद्र को सफेद फूल अर्पण करने हैं, बुध और गुरु को पीले फूल अर्पण करने हैं, उसके बाद शनि, राहु और केतु। इन तीनों ग्रहों को डहेलिया के विविध रंगी, जिनमें विविध रंग एक साथ हों, उस तरह के फूल अर्पण करने हैं।
और वे न मिलने पर गेंदे के लाल फूल अर्पण करने हैं। इस प्रकार इन फूलों की व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार अगर फूल उपलब्ध हों तो वे अर्पण करने हैं। फूलों को चंदन में डुबोकर चावल में डुबोना है और उन्हें एक एक ग्रह को अर्पण करना है। उसके बाद दाहिने हाथ से अगरबत्ती से पूजा करनी है और बाएं हाथ से घंटी बजानी है और उसी प्रकार दिए से भी पूजा करनी है। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, धूपम आघ्रापयामि स्थावर दीपं दर्शयामि। अब भोग की सामग्री में हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, मिठाई वगैरह, उसका भोग लगाना है। एक कटोरी में मिठाई लेकर कटोरी के नीचे पानी से चौंक बनाना है। कटोरी के नीचे पानी से चौंक बनाकर उस पर भोग की कटोरी रखनी है और कटोरी के आसपास पानी घुमाकर हाथ जोड़नी है। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, नैवेद्यार्थे यथा संपादित पुरत स्थापितो नैवेद्यम समर्पयामि। हाथ जोड़नी है। प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः। हमारे सामने के पात्र में चार बार पानी छोड़ना है। समोरुत्तरा पोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आचमनीयम समर्पयामि करोद्वर्तनम। चंदन और फूल सूर्य नारायण अर्थात जो सूर्य देवता हैं उन्हें अर्पण करने हैं। करोद्वर्तनम समर्पयामि। अब जो पान का बीड़ा हमने रखा है उस पर जो फल रखा है उस फल पर हमें पानी डालना है, दक्षिणा पर पानी डालना है। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, मुखवासार्थे पूगी फल तांबूलम समर्पयामि कृत पूजा सांगता सिद्ध्यर्थम सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। फिर से एक बार सभी ग्रहों को चावल अर्पण करके प्रणाम करना है। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। अब हाथ में चावल लेने हैं, एक ही श्लोक में सभी ग्रहों की जो प्रार्थना है हमें वो करनी है। सभी ग्रहों को प्रार्थना करने के लिए मैंने यहाँ एक ही श्लोक का उपयोग किया है। हाथ में चावल लेने हैं और प्रार्थना हो जाने के बाद उन सभी ग्रहों को हाथ में रखे चावल अर्पण करने हैं। आरोग्यम सविता तनोतु भवतामिन्द्रियशो निर्मलम भूतिम भूमि सुतस्थां शुतनयः प्रज्ञां गुरुर्गौरवम काव्यः कोमलवाग्विलासमतुलं मन्दोमुदं सर्वदा राहुर्बाहुबलं विरोधशमनं केतुः कुलस्योन्नतिम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, प्रार्थना पुष्पांजलिम अक्षतांचो समर्पयामि नमस्करोमि। अपने सामने वाले पात्र में पानी छोड़ना है। अनेन कृत पूजनेन आदित्यादि नवग्रह देवता प्रियतां नमः तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। कुबेर श्री लक्ष्मी सरस्वती पूजा। हमने कलश के ऊपर जो पात्र रखा था उसमें हमने चावल रखे हैं, नौ ग्रहों की पूजा की है। उसी स्थान पर प्रथम हमें उस पात्र में कुबेर जी की प्रतिमा रखनी है। उसके बाद हमारे समक्ष में हमें जिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी है उनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। पास ही में सरस्वती देवी की प्रतिमा हो तो उसकी भी स्थापना करनी है अर्थात उसे रखना है। और उसके बाद इन तीनों देवताओं की स्थापना करने के बाद उन तीनों आवाहन के लिए हमें पूजा करनी है। अब यह क्रम इसलिए बताया कि पहले यह मूर्तियां पात्र में न रखकर हमारे सामने जो पात्र हैं उसे खाली करके साफ करना है और फिर उसमें यह प्रतिमाएं या सिक्के हमारे पास जो भी होंगे वो इस क्रम के अनुसार लगाने हैं अर्थात दक्षिण से शुरू करके उत्तर तक इस क्रम में रखने हैं। हम पूर्व दिशा में मुख करके बैठे हैं, इस दृष्टि से हमारे दाहिने हाथ से शुरू करके बाएं हाथ तक के तरफ यह सभी देवताओं को स्थापित करना है। तीन ही देवता हैं, एक कुबेर जी हैं, उनके बाद मध्य में महालक्ष्मी जी हैं और तीसरी तरफ सरस्वती जी हैं। अर्थात यदि सरस्वती जी न हो तो कुबेर जी और लक्ष्मी जी इन दोनों की पूजा करेंगे। सरस्वती पूजन के लिए प्रत्यक्ष में यहाँ जो किताबें रखी हैं उन किताबों की पूजा होगी। बोलते समय या कहते समय मैं कुबेरादि आवाहित देवताभ्यो नमः ऐसा कहकर इन तीनों की पूजा करवाऊंगा। प्रथम हमारे सामने के पात्र में हमने यह मूर्तियां या प्रतिमाएं निकाल कर रखी हैं। चावल हाथ में लेकर हमें उनका ध्यान करना है। एक और बात, इस समय यदि हमें अलंकारों की या पुराने रुपयों की या नए रुपयों की पूजा करनी हो तो जितने सिक्के हैं उनमें से एक सिक्के को प्रतिनिधि के रूप में नीचे के पात्र में पूजा के लिए रखना है। वैसे ही हमें जिन अलंकारों की पूजा करनी है उनमें से किसी अलंकार को प्रतिनिधि के रूप में नीचे के पात्र में रखना है।
अब यह जो प्रतिनिधि रूप अलंकार है उस पर हम चावल, चंदन, पंचामृत इत्यादि जो भी अर्पण करेंगे वह उसमें अटक न जाए, उसके लिए किसी प्रकार का रत्न न हो, ऐसी अंगूठी या कोई भी हीरा न हो, ऐसा अलंकार ही पूजा के लिए लेना है। मेरी मान्यता के अनुसार जिसमें कोई हीरा न हो वैसी अंगूठी अगर पूजा में रखी जाए तो अति उत्तम। और उस दृष्टि से विचार पूर्वक उस अलंकार के प्रतिनिधि की और सिक्कों की प्रतिनिधि की पूजा करनी है। अब हमने यहां पूजा के लिए जो अलंकार लिए हैं उनमें से जिनकी पूजा करनी है उनका नाम बताया गया है कुबेर। उसी प्रकार महालक्ष्मी जी और अलंकार, साथ ही पुराना सिक्का, हमें इन सभी की पूजा करनी है। और शुरुआत में कहने के अनुसार हिसाब की किताबें, कलम, दवात या तराजू, वजन जो हैं उन सभी को हमने अलग से रखा है और उनकी हमें पूजा करनी है। यह पूजा होने के बाद हमें उनकी पूजा करनी है। प्रथम हमें देवताओं का ध्यान करने के लिए अर्थात लक्ष्मी देवी का ध्यान करने के लिए या सरस्वती देवी की प्रतिमा या सिक्का हो तो उनका स्मरण करने के लिए हमें हाथ में चावल लेकर उनका ध्यान करना है। प्रथम हमें जो क्रम बताया गया है वो क्रम है सबसे पहले कुबेर, फिर लक्ष्मी जी, फिर सरस्वती। हमें इसी क्रम में पूजा करनी है, इसलिए हमें प्रथम कुबेर जी का ध्यान स्मरण करना है, हाथ में चावल लेने हैं और कुबेर जी का स्मरण करना है। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय चो भवन्तु त्वत्प्रसादान में धन धान्यादि संपदा श्री कुबेराय नमः। ध्यायेत् ध्यानार्थे अक्षतान समर्पयामि। उसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, हाथ में चावल लेने हैं। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी परमपत्राय ताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर मणिगणस्खचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययस्तु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमः। ध्यायेत् ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब शारदा देवी का स्मरण करना है, हाथ में चावल लेने हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानञ्च देहि मे। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्यायेध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हमें जो पूजा करनी है वो मात्र कुबेर जी, महालक्ष्मी जी और सरस्वती देवी की पूजा करनी है, इसलिए हर एक स्थान पर इन तीनों का नाम न लेकर आवाहित देवताभ्यो नमः कहकर सभी उपचार करने हैं। उसी प्रकार हर एक देवता का नाम स्वतंत्र रूप से न लेकर भगवान यह शब्द का हम उपयोग करेंगे। अब ध्यान के लिए चावल अर्पण हो जाने के बाद आवाहन के लिए भगवान को चावल अर्पण करने हैं। सर्वलोकस्य जननीं शूरहस्तां त्रिलोचनां सर्वदेवमयीमीशां देवीं आवाहयाम्यहम्। आवाहित देवताभ्यो नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब फिर से देवी के आसन के लिए पात्र में ही चावल अर्पण करने हैं। तप्तकांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। आवाहित देवताभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब चम्मच भर पानी सभी को अर्पण करना है पीने के लिए। पाद्यमनु गंगादि तीर्थ संभूतं गंध पुष्पाक्षतैर्युतम् पाद्यं ददाम्यहं देवी गृहाणाशु नमोस्तुते। आवाहित देवताभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब चम्मच भर पानी लेकर उसमें चंदन, चावल और फूल रखकर वह अर्ध्य भगवान को अर्पण करना है। अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितं अर्घ्यं गृहाण मद्दत्तं महालक्ष्मी नमोस्तुते। आवाहित देवताभ्यो नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि।
फिर से एक बार साफ पानी भगवान को अर्पण करना है। सर्वलोकस्य यासक्तिर् ब्रह्म विष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याच वनन्तस्यै महालक्ष्मी मनोहरम् श्री आवाहित देवताभ्यो नमः आचमनीयम् समर्पयामि। अब इन सभी भगवानों को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराते समय अगर वह इकट्ठा कर रखा है तो सभी भगवानों को एक एक चम्मच पंचामृत अर्पण करना है। उसके बाद एक एक चम्मच पानी अर्पण करना है। और अगर पंचामृत की सामग्रियां अलग अलग हों तो उसका क्रम कैसे होना चाहिए वह बाद में बताएंगे। इसलिए इकट्ठा किया हुआ जो पंचामृत है उसे अर्पण करने के लिए मैं मंत्र बोलूंगा। अब पंचामृत अर्थात क्या? दूध, दही, घी, शहद और चीनी, यह सामग्रियां इस क्रम में अर्पण करनी है। परंतु अभी हमें इकट्ठा किया हुआ पंचामृत अर्पण करना है। इसे 5 बार अर्पण करना है। इसे 5 बार चम्मच से डालेंगे या 5 बार फूल से डालेंगे, जिस प्रकार आपको अनुकूल हो उस प्रकार। यह पूजा करते समय हमने जो रचना की है उसके पीछे शुरुआत में दीवार के सहारे गणेश जी, महालक्ष्मी जी, महा सरस्वती जी, ऐसे सभी देवताओं की फोटो रखी गई है। उनके लिए अभी कोई भी उपचार नहीं होकर चंदन से उपचार शुरू करेंगे। पहले पंचामृत अर्पण करना है। पंचामृत समायुक्तम जाह्नवी सलिलम शुभम गृहाण विश्वजननी स्नानार्थम भक्तवत्सले पयोदधीर्तञ्चैव मनुशर्करयायुतम पंचामृतेन स्तपनं क्रियतां परमेश्वरी आवाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत की हर सामग्री यदि अलग अलग हो तो फूल से हर सामग्री को हर बार स्वतंत्र रूप से अर्पण करना है। प्रथम फूल द्वारा दूध अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः पयस्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद फूल से दही अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः दधि स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद घी अर्पण करना है, अर्थात घी में फूल डुबोकर भगवान को घी अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः घृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद शहद अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः मधु स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब चीनी अर्पण करनी है। आवाहित देवताभ्यो नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद चम्मच में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाना है और उससे स्नान कराना है। आवाहित देवताभ्यो नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को मांगलिक स्नान कराना है। उसके लिए फूल को इत्र में डुबोकर वो इत्र भगवान के शरीर को लगाना है। उसके बाद उष्णोदक अर्थात गर्म पानी से स्नान कराना है। आवाहित देवताभ्यो नमः मांगलिक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद गर्म पानी अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः उष्णोदक स्नानं समर्पयामि। सभी उपचारों के लिए भगवान को पहले चंदन, चावल और फूल अर्पण करने हैं। आवाहित देवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। फिर दाहिने हाथ से अगरबत्ती से पूजा करनी है और बाएं हाथ से घंटी बजानी है। उसके बाद इसी प्रकार से दिए से पूजा करनी है। आवाहित देवताभ्यो नमः धूपं आघ्रापयामि आवाहित देवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। पूर्व पूजा मंत्रोपचार। अब देवी की स्थापना और हमारे बीच जितनी जगह है उतनी जगह में भगवान के सामने पानी डालकर एक चौक बनाना है और उस पर पंचामृत का नैवेद्य रखना है और पंचामृत की वाटी के चारों तरफ एक बार पानी घुमाकर हाथ जोड़ने हैं। आवाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यार्थे पंचामृत शेष नैवेद्यम समर्पयामि प्राणाय नमः पानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः। 4 बार पात्र में पानी छोड़ना है। मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरा पोषणमस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आचमनीयं समर्पयामि। चंदन और फूल भगवान को अर्पण करने हैं। करोद्वर्तनम समर्पयामि।
अभी पान का बीड़ा रखा हुआ है, उस बीड़े पर जो फल रखे हैं उन पर और दक्षिणा पर पानी अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलम समर्पयामि दक्षिणांच समर्पयामि फलांच समर्पयामि कृतपूजा सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संपादित दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। मंत्र पुष्पों के लिए भगवान को चंदन चावल फूल अर्पण करके प्रणाम करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि पानी छोड़ना है। अनेन कृत पूजनेन पूर्वाराधनेन आवाहित देवता प्रियंता नमम। भगवान को हमने अब तक जो भी फूल इत्यादि अर्पण किए हैं उन्हें निकालकर सूंघकर किसी पात्र में अलग से निकालकर रख देने हैं। अभिषेक श्री सूक्त। अब हमें भगवान पर अभिषेक करना है। इस अभिषेक को करते समय अभिषेक पात्र का उपयोग न करके फूल पात्र में पानी लेकर उस पानी को चम्मच से सभी देवताओं पर अर्पण करना है और उस समय श्री सूक्त बोलने की प्रथा है। हम अब श्री सूक्त का पठन करेंगे। हिरण्यवर्णां हिमरौप्यहारां चन्द्रान्पदेयां च हिरण्यरूपां लक्ष्मीमृगीरूपधरां श्रियन्त्वं मदर्थमाकारय जातवेदाः यस्यां सलक्ष्म्यामहमागतायां हिरण्यगोष्वात्मजमित्रसाहान् लभेयमाशु ह्यनपायिनीं मां मदर्थमाकारय जातवेदाः प्रत्याह्वयेतामहमेष्वपूर्वां देवीं श्रियं मध्यरथादि युक्तां प्रबोधिनीं हस्ति सुब्रूहितेन हूता मया सा किल सेविता वै कांसोऽस्मितां तामिह पद्मवर्णां आर्द्रां सुवर्णां वर्णां ज्वलन्तीं तृप्तां हि भक्तानथ तर्पयन्तीं उपह्वयेऽहं कमलासनस्थां लोके ज्वलन्तीं यशसा प्रभासां चन्द्रामुदारामुत देवजुष्टां तां पद्मरूपां शरणं प्रपद्ये प्रियं वृणे त्वां व्रजतामलक्ष्मीः वनस्पतिस्ते तपसोर्ध्वजातो वृक्षोऽथ बिल्वस्तरुणार्कवर्णे फलानि तस्य त्वदनुग्रहेण माया अलक्ष्मीश्च नुदन्तु बाह्याः उपैतु मां देवसखः कुबेरो साधक्षकन्यामणिना च कीर्तिः जातोऽस्मि राष्ट्रे किरमर्त्यलोके कीर्तिं समृद्धिं च ददातु मह्यम् क्षुत्कृशाङ्गीं मदिनामलक्ष्मीं तवाग्रजातामुत नाशयामि सर्वामभूतिं ह्यसमृद्धिमम्ब गृहाच्च निष्कासय मे द्रुतन्त्वं केनाप्यधृष्यामथ गन्धचिह्नां पुष्टाङ्गवाश्वादियुताञ्च नित्यं पद्मालये सर्वजनेश्वरीं तां प्रत्याह्वयेऽहं खलु मत्समीपं लभे महि श्रीर्मनसश्च कामं वाचस्तु सत्यञ्च सुकल्पितं वै अन्नस्य भक्ष्यञ्च पयः पशूनां सम्पद्धि मय्याश्रयतां यशस्यो मयि प्रसादं कुरु कद्रमत्वं प्रजापती श्री रभवत्वया हि कुले प्रतिष्ठापय मे श्रियं वै त्वन्मातरन्तामुत पद्ममालां स्निग्धानि चापोऽभिसृजत्वयस्रं चिक्रीतवासि कुरु मद्गृहे त्वं कुले श्रियं मातरमाशु मेद्यो श्रीपुत्र संवासयतांच देवीं तां पिंगलां पुष्करिणीं च लक्ष्मीं आर्द्रांच पुष्टिं शुभपद्ममालां चंद्रप्रकाशांच हिरण्यरूपां मदर्थमाकारय जातवेदाः आर्द्रां तथा यष्टिकरीं सुवर्णां तां यष्टिरूपामथ हेममालां सूर्यप्रकाशांश्च हिरण्यरूपां मदर्थमाकारय जातवेदाः यस्यां प्रभूतं कनकञ्च गावो दासीस्तुरङ्गान् पुरुषांश्च सत्यां विन्देयमाशु ह्यनपायिनीं तां मदर्थमाकारय जातवेदः श्रियः पञ्चदश श्लोकं सूक्तं पौराणमनुवहं यो जपेज्जुहुयाच्चाज्यं श्रीयुतः सततं भवेत् इति श्रीसूक्तं समाप्तम्। अभिषेक होने के बाद घंटी बजानी है। आवाहित देवताभ्यो नमः महाभिषेक स्नानं समर्पयामि शुद्ध पानी बहाना है। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि
अब इसके बाद कुबेर जी की प्रतिमा, महालक्ष्मी जी की प्रतिमा और उपलब्ध हो तो महासरस्वती जी की प्रतिमा को अच्छी तरह से साफ करके ऊपर थाली में रखनी है और थाली में रखने के पश्चात आगे बताए हुए उपचार करने हैं। हमने प्रतिमाओं को थाली में रखने के बाद पंचामृत स्नान, अभिषेक वगैरह में जिस पानी का उपयोग किया उस पानी को तीर्थ कहते हैं। जिस पानी से भगवान को स्नान कराते हैं उसे पानी नहीं परंतु तीर्थ कहते हैं। उस तीर्थ को एक फूल पात्र में इकट्ठा करना है, पंचामृत के पात्र में इकट्ठा किया तो भी चलेगा, और इस तीर्थ को पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात सभी में बांटकर खुद को भी आचमन करना है। इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पण करने हैं, अर्थात रुई के वस्त्र अर्पण करने हैं और साथ ही लौकिक वस्त्र भी अर्पण करने हैं, चावल अर्पण करने हैं। दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमन्त्वति मनोहरं दीयमानं मया देवी ग्रहाण जगदम्बिके आवाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि। फिर से चावल अर्पण करने हैं। आवाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि। कुबेराय नमः उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब भगवान को चंदन लगाना है अनामिका उंगली से। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं ग्रहाणासु नमस्ते भक्तवत्सलो आवाहित देवताभ्यो नमः विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। चावल अर्पण करने हैं अलंकार के लिए। अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब हल्दी, रोली, सिंदूर, अष्टगंध वगैरह सभी उपलब्ध सामग्रियां भगवान को अर्पण करनी है। हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालंकार मुख्या ही देवित्वं प्रतिगृह्यताम् आवाहित देवताभ्यो नमः हरिद्रां समर्पयामि। हरिद्रा चूर्ण संयुक्तं कुंकुमं कामदायकं वस्त्रालंकार भूषार्थं देवित्वं प्रतिगृह्यताम् आवाहित देवताभ्यो नमः कुंकुमं समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाइए। उदितारुण संकाशं जपाकुसुम सन्निभं सीमंत भूषणार्थाय सिंदूरं प्रतिगृह्यताम् आवाहित देवताभ्यो नमः सिंदूरं समर्पयामि। ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते विश्वरूपिणे नाना परिमलद्रव्यं ग्रहाण परमेश्वरी। फूल में इत्र लगाकर उस फूल को भगवान को अर्पण करना है। तैलानि च सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं ग्रहाण परमेश्वरी परिमल द्रव्यं च समर्पयामि। अब हम पूजा के लिए विविध प्रकार के जो फूल लाए हैं उन्हें एक के बाद एक अर्पण करना है। मंदार पारिजातादीन पाटलीं केतकीं तथा मरुबा मोगरंचैव ग्रहाण परमेश्वरी आवाहित देवताभ्यो नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भव नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती से पूजा करनी है दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से घंटी बजानी है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् आवाहित देवताभ्यो नमः धूपम् आघ्रापयामि। अब दिए से भी वैसे ही पूजा करनी है और बाएं हाथ से घंटी बजानी है। कार्पासवर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं ग्रहाण परमेश्वरी आवाहित देवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। अब इसके बाद हमारे पास भोग के लिए जो भी सामग्री है उन्हें छोटी छोटी वाटी में लेकर सभी वाटियां एक थाली में लेकर उस थाली को भगवान के सामने भोग के लिए रखना है। उसे रखने के पहले पानी से उस स्थान पर चौक बनाना है, उस पर थाली रखनी है, उन सभी सामग्रियों पर तुलसी पत्र रखना है और उसके बाद उस सारे भोग के आसपास पानी घुमाना है। अब इस भोग में पहले बताए अनुसार शक्कर दाने, बताशे, मिठाइयाँ या और भी बाकी जो भी सामग्री जो हम लाए हैं उन सभी सामग्रियों को रखना है और उनके आसपास पानी घुमाना है और हाथ जोड़ने हैं। आवाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यार्थे पुरतस्थापितो यथा संपादितो नानाविधो नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ने हैं। प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः। फिर से भोग के आसपास पानी घुमाना है और हाथ जोड़ने हैं। मध्ये पानीयं समर्पयामि
प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः। हमारे सामने के पात्र में चार बार पानी छोड़ना है। उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आचमनीयम समर्पयामि। चंदन और फूल भगवान को अर्पण करने हैं। करोद्वर्तनम समर्पयामि। अब भगवान के सामने पान का बीड़ा, दक्षिणा, जो फल लाए हैं वो फल, नारियल वगैरह रखने हैं और उन पर चम्मच से पानी डालना है। आवाहित देवताभ्यो नमः, मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलम समर्पयामि। एला लवंग कर्पूर नागपत्रादिभिर्युतम् पूगी फलेन संयुक्तम् तांबूलम् प्रतिगृह्यताम् हिरण्यगर्भगर्भस्थम् हेमबीजम् विभावसोः अनन्तपुण्यफलदोमतःशान्तिम् प्रयच्छमे। फलेन फलितम् सर्वं त्रैलोक्यम् सचराचरम् तस्मात् फलप्रदानेन सुफलास्युरमनोरथाः। महादक्षिणा के रूप में स्थान पर विशेष दक्षिणा रखनी है और इन सभी पर, बीड़े पर, दक्षिणा पर, फलों पर, नारियल पर, सभी पर पानी अर्पण करना है। आवाहित देवताभ्यो नमः, मुखवासार्थे पूगी फलतांबूलम समर्पयामि। कृत पूजा सांगता सिद्ध्यर्थम सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। व्यावहारिक द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। नमस्करोमि। अब पूजा समाप्त होने पर आरती करनी है। यहाँ केवल एक कपूर जलाकर आरती उतारनी है और घंटी बजानी है। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहित देवताभ्यो नमः, कर्पूरार्तिक दीपं दर्शयामि। सरस्वती वंदन। हमारा लक्ष्मी पूजन हो चुका है, उसके बाद अब कलम इत्यादि चीजों की पूजा करनी है। ध्वनि मुद्रण के साथ जो कागज दिया गया है उस पर सरस्वती जी का पारंपरिक चिन्ह दिया गया है। उस कागज को नए पुस्तक पर चिपकाकर उसकी सरस्वती देवी के रूप में पूजा करनी है। हाथ जोड़ के सरस्वती जी को प्रणाम करना है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। श्री सरस्वत्यै नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। नमस्करोमि। इसके बाद अब हम दवात और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और उसी के साथ अगर कपड़े की दुकान है तो उस स्थान पर आपके लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कि कैंची, नाप, जिसे हम गज कहते हैं, उनकी भी पूजा करनी है। और इसलिए उन सभी देवों की पूजा करने के लिए अब मैं मंत्र पढ़ूंगा। सर्वप्रथम दवात की पूजा करनी है। सद्य छिन्न शिरः कृपाणम अभयम् तैर वरम विभ्रतीम् घोरास्याम शिरसा सरजम सुरुचिर मुन्मुक्त केशावलिम् मषित्वं लेखनीयुक्ता चित्रगुप्त शयस्थिता सदक्षराणां पात्रे च लेख्यं कुरु सदा मम। या माया प्रकृतिशक्तिश्चण्डमुण्ड विमर्दिनी सा पूज्या सर्वदेवैश्च अस्माकं वरदा भवो। काल्यै नमः, मषीदेव्यै नमः। हमने दवात और उसके अंदर की स्याही की पूजा की है और उस पूजा के लिए अब प्रार्थना करनी है। या कालिका रोगहरा सुवंद्या वश्यानुकूलैर मदनातुरैश्च जनैर्जनानां भयहारिणी च सा देवमाता मयि सौख्यदात्री। सांप्रत काल में दवात और कलम की पूजा करने के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित फाउंटेन पेन या बॉल पेन की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए कलम को चंदन, चावल, फूल अर्पण करके नमस्कार करने हैं। मषित्वं लेखनी युक्ता चित्रगुप्त शयस्थिता सदक्षराणां पात्रे च लेख्यं कुरु सदा मम। या माया प्रकृति शक्तिश्चण्ड मुण्ड विनाशिनी सा पूज्या सर्वदेवैश्च अस्माकं वरदा भवो।
लेखन्यै नमः। सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। सरस्वती पूजा, चोपड़ा पूजन, अब सरस्वती देवी की पूजा। हमने सिक्कों की मुद्रा की पूजा पहले की ही है, परंतु अब प्रत्यक्ष की जो किताबें हैं उन किताबों पर प्रस्तावना में लिखी हुई सूचना अनुसार शुभ लाभ इत्यादि लिखा हुआ है। उसी स्थान पर सरस्वती देवी का भी चित्र है और उन सरस्वती देवी की पूजा हमें अब करनी है। वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि, हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य द्रव्यंच समर्पयामि, नमस्करोमि। प्रार्थना करनी है। श्री सरस्वत्यै नमः, प्रज्ञारूपायै नमः, प्रार्थनां समर्पयामि, नमस्करोमि। कुबेर प्रार्थना। कुबेर जी की पूजा हमने कर ली है, अब हमें मात्र उन्हें प्रार्थना करनी है। द्रव्य निधि स्थान कुबेराय नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। तुला पूजा। अब तराजू, वजन, नाप, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उन सभी को चंदन, चावल, फूल अर्पण करने हैं, हल्दी, रोली अर्पण करने हैं। हार उपलब्ध हो तो हार भी अर्पण करना है तराजू को और नमस्कार करना है। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना तुलायै नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि, हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य द्रव्यं च समर्पयामि, नमस्करोमि। दीप पूजा। अब हमने दिवाली के अवसर पर दीयों की सजावट की है, अर्थात जिसे हम व्यवहार में लाइटिंग कहते हैं। हमने जो दीपमाला अर्थात लाइटिंग की जो सजावट की है, उस लाइटिंग का जो प्रेरणा स्रोत है अर्थात स्विच बोर्ड, इस स्विच बोर्ड को चंदन, चावल, फूल और हल्दी, रोली अर्पण करने हैं और प्रणाम करना है। भूदीप ब्रह्म रूपस्तु अंधकार निवारको, इमां मया कृतां पूजां गृह्णन्ते जः प्रवर्तयो, दीपावलिं मया दत्तां गृहाणत्वं सुरेश्वरी, आरार्तिक्य प्रदानेन ज्ञान दृष्टि प्रदाभव, दीपावल्यै नमः, दीपदेवतायै नमः, सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पं हरिद्रां कुंकुमञ्च समर्पयामि, नमस्करोमि। आरती व प्रार्थना। अब इसके पश्चात सभी उपस्थित व्यक्तियों को आरती करनी है। आरती करते समय प्रथम गणेश जी की आरती, फिर महालक्ष्मी जी की आरती, देवी माँ की आरती हो जाने के पश्चात कपूर आरती उपस्थित सभी व्यक्तियों को देकर प्रत्येक व्यक्ति को चंदन, चावल, फूल देने हैं और सभी को साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। आरती हो जाने के पश्चात, मंत्रोपचार हो जाने के पश्चात प्रदक्षिणा करनी है और फिर देवी माँ को प्रणाम करना है। महालक्ष्मी नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति, प्रदक्षिण पदे पदे आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। अब इस पूजा के निमित्त से राजोपचार अर्थात छत्र, चामर, गीत, वाद्य, नृत्य, यह जो राजोपचार हैं, इन राजोपचार के लिए ईश्वर को चावल अर्पण करने हैं। आवाहित देवताभ्यो नमः, छत्रं, चामरं, गीतं, नृत्यं, वाद्यं, आंदोलनं इत्यादि सर्व राजोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। और फिर आरती होने के पश्चात सर्व देवी देवताओं को प्रार्थना करनी है। सभी ने हाथ जोड़ने हैं। यजमान जो पूजा कर रहे हैं उन्हें हाथ में चंदन, चावल, फूल लेकर हाथ जोड़कर खड़े रहना है। मैं अब तक हमने जिनकी पूजा की है उन सभी देवताओं को प्रार्थना करूंगा। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासे हरिप्रिये, गतिरिया त्वत्प्रपन्नानां सामे भूया त्वदर्चनात्, विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे, महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं सुखरात्रिं कुरुष्व मे, वर्षाकाले महाघोरे यन्मया दुष्कृतं कृतं, सुखरात्रिः प्रभातेद्य तन्मे अलक्ष्मीं व्यपोहतु, या रात्रि सर्वभूतानां या च देवेषु अवस्थिता संवत्सर प्रियाया च साममास्तु सुमंगलम्, माता त्वं सर्वभूतानां
देवानां सृष्टि संभवा आख्याता भूतले देवी सुखरात्रि नमोस्तुते। दामोदरी नमस्तेस्तु, नमस्ते लोक्य मातृके, नमस्तेस्तु महालक्ष्मी, त्राहि मां परमेश्वरी, शंखचक्र गदाहस्ते शुभ्रवर्णे शुभानने, मह्यमिष्टवरं देहि सर्वसिद्धिप्रदायिनी, नमस्तेस्तु महालक्ष्मी महासौख्यप्रदायिनी, सर्वदा देहि मे द्रव्यं दानाय मुक्तिहेतवे, धनं धान्यं धरां हर्म्यं कीर्तिमायुर्यशस्त्रियः। तुरगान् दन्तिनः पुत्रान् महालक्ष्मी प्रयच्छ मे, यन्मया वाञ्छितं देवि तत्सर्वं सुफलं कुरु। न बाध्यतां कुकर्माणि संकटान् मे निवारय, न्यूनं वाप्यतुलं वापि यन्मया मोहितं कृतं। सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। आवाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनां समर्पयामि, पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि। ब्राह्मण पूजा। पूजा करवाने के लिए पंडित जी को बुलाना आवश्यक है, परंतु पंडित जी की उपलब्धता के अनुसार हमेशा पंडित जी पूजा करवाने आ सकेंगे ऐसा जरूरी नहीं। और इसलिए हमने यहाँ जो पूजा की है, उस पूजा के समापन के लिए पान का एक बीड़ा, नारियल, उस पर हमें जो दक्षिणा देनी है वो दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि रखनी है। तुलसी पत्र को भिगो कर रखना है और उस पर चावल अर्पण करके प्रणाम करने हैं। नमोस्तदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ब्रह्मणे सकलाराधने स्वर्चितमस्तु अस्तु स्वर्चितम्। अब हमने पंडित जी को देने के लिए जो बीड़ा, नारियल, वस्त्र इत्यादि वस्तुएं रखी हैं, वे सभी वस्तुएं हमारे पास में जो भी मंदिर हो उस मंदिर के पुजारी जी को देनी है, या हमारे घर हमेशा आने वाले कोई पंडित जी उपलब्ध हो तो उन्हें देनी है, या ये ध्वनि मुद्रण करने वाले जो पंडित जी हैं हमें उन्हें ये दक्षिणा देनी हो तो ध्वनि मुद्रण पर जो पता दिया गया है उस पते पर यह दक्षिणा इच्छा के अनुसार भेजनी है और इस पूजा का समापन करना है। ये समापन तुरंत ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस कार्य को यथावकाश करना है। पूजा के समापन के लिए दो बार आचमन ग्रहण करना है और हाथ जोड़ने हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तीन बार विष्णु जी का स्मरण करना है। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विसर्जन। हमने आज लक्ष्मी पूजन किया है। लक्ष्मी पूजा करते समय हमने गणेश जी की पूजा की है, फिर कुबेर जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, इन सभी देवी देवताओं की पूजा की है, नौ ग्रहों की पूजा की है, तो इन सभी पर हमें विसर्जन के हेतु से चावल अर्पण करने हैं। उसके लिए हाथ में चावल लेकर अर्पण करने हैं और ये चावल अर्पण करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करना है, और हाथ में चावल लेकर मंत्रोपचार संपन्न होने के बाद सभी देवी देवताओं पर वो चावल अर्पण करने हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्तुते देवयन्तस्ते महे उपप्रयन्त मरुतस्तुदानव इन्द्र प्राशूर्भवास च यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम् इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च आवाहित देवताः विसर्जयामि। अष्टोत्र शत नामावली। हमने जिस समय देवी को फूल अर्पण किए उस समय अष्टोत्र शत नाम अर्थात 108 नाम लेकर हमारे पास जो भी फूल उपलब्ध हैं वो फूल अर्पण करने हैं, और यदि फूल उपलब्ध न हो तो ये नाम लेकर देवी को चावल अर्पण करने हैं। उसके लिए मैं अब आगे ये सभी नाम लूंगा, उस प्रकार हर एक नाम पर चावल अर्पण करने हैं। आदित्य शक्त्यै नमः, महादेव्यै नमः, अंबिकायै नमः, परमेश्वर्यै नमः, ईश्वर्यै नमः, अनैश्वर्यै नमः, योगिन्यै नमः, सर्वभूतैश्वर्यै नमः, जपायै नमः, विजयन्तायै नमः, जयन्त्यै नमः, शाम्भव्यै नमः, शान्त्यै नमः, ब्राह्म्यै नमः, ब्रह्माण्डधारिण्यै नमः, महारूपायै नमः, महामायायै नमः, माहेश्वर्यै नमः, लोकरक्षिण्यै नमः, दुर्गायै नमः, दुर्गपारायै नमः, भक्तचिन्तामण्यै नमः,
मृत्यै नमः, सिद्ध्यै नमः, मूर्त्यै नमः, सर्वसिद्धिप्रदायै नमः, मंत्रमूर्त्यै नमः, महाकाल्यै नमः, सर्वमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः, वेदमूर्त्यै नमः, वेदभूत्यै नमः, वेदान्तायै नमः, व्यवहारिण्यै नमः, अनघायै नमः, भगवत्यै नमः, रौद्रायै नमः, रुद्रस्वरूपिण्यै नमः, नारायण्यै नमः, नारसिंह्यै नमः, नागयज्ञोपवीतिन्यै नमः, शङ्खचक्रगदाधारिण्यै नमः, जटामुकुटशोभिन्यै नमः, अप्रमाणायै नमः, प्रमाणायै नमः, आदित्यमध्यावसानायै नमः, पुण्यदायै नमः, पुण्योपचारिण्यै नमः, पुण्यकीर्त्यै नमः, स्तुतायै नमः, विशालाक्ष्यै नमः, गंभीरायै नमः, रूपान्वितायै नमः, कालरात्र्यै नमः, अनल्पसिद्ध्यै नमः, कमलायै नमः, पद्मवासिन्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, मनःसिद्धायै नमः, मनोयोगिन्यै नमः, मातंगिन्यै नमः, चण्डमुण्डघातिन्यै नमः, दैत्यदानवनाशिन्यै नमः, मेषज्योतिषे नमः, परञ्ज्योतिषे नमः, आत्मज्योतिषे नमः, सर्वज्योतिस्वरूपिण्यै नमः, सहस्रमूर्त्यै नमः, शर्वाण्यै नमः, सूर्यमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः, आयुर्लक्ष्म्यै नमः, विद्यालक्ष्म्यै नमः, सर्वलक्ष्मीप्रदायै नमः, विचक्षणायै नमः, क्षीरार्णववासिन्यै नमः, वागीश्वर्यै नमः, वाक्सिद्ध्यै नमः, अज्ञानज्ञानयोचरायै नमः, बलायै नमः, परमकल्याण्यै नमः, भानुमण्डलवासिन्यै नमः, अव्यक्तायै नमः, व्यक्तरूपायै नमः, अव्यक्तरूपायै नमः, अनन्तायै नमः, चन्द्रायै नमः, चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः, चन्द्रमण्डलमण्डितायै नमः, भैरव्यै नमः, परमानन्दायै नमः, शिवायै नमः, अपराजितायै नमः, ज्ञानप्राप्तये नमः, ज्ञानव्रत्यै नमः, ज्ञानमूर्त्यै नमः, कलावत्यै नमः, श्मशानवासिन्यै नमः, मात्रे नमः, परमकल्पिन्यै नमः, घोषवत्यै नमः, दारिद्र्यहारिण्यै नमः, शिवतेजोमुख्यै नमः, विष्णुवल्लभायै नमः, केशविभूषितायै नमः, कूर्मायै नमः, महिषासुरघातिन्यै नमः, सर्वरक्षायै नमः, महाकाल्यै नमः, श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। अनेन अष्टोत्तरसङ्ख्यापूजनेन भगवती श्रीमहालक्ष्मीप्रीयतां नमो तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु।